1483 में आज ही के दिन रिचर्ड तृतीया इंग्लैंड के राजा बने थे। 1787 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के शिवपुर में भारतीय वनस्पति उद्यान की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1885 में फ्रांस के लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। 1901 में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1939 में राजनीति में प्रवेश किया। 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिनिधिमंडल में उन्होंने एक गैर कांग्रेसी मंत्री के रूप में वित्त मंत्रालय का काम संभाला था। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। संसद में दिए भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की थी। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वो 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े थे। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। 1905 में आज ही के दिन प्रख्यात समाज सुधारक लक्ष्मीबाई केलकर का जन्म हुआ था। लक्ष्मीबाई केलकर भारत की प्रख्यात समाज सुधारक थीं। उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति नामक एक संगठन की स्थापना की थी। उनका मूल नाम कमल था, किंतु लोग उन्हें सम्मान से मौसी जी कहा करते थे। 1935 में आज ही के दिन तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का जन्म हुआ था। 1944 में आज ही के दिन महात्मा गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। इससे पहले 1919 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें महात्मा का संबोधन दिया गया था। 1986 में आज ही के दिन बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय राजनेता जगजीवन राम का निधन हुआ था। 1997 में आज ही के दिन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक चेतन आनंद का निधन हुआ था। साल 2002 में आज ही के दिन अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अब्दुल कादिर की काबुल में हत्या की गई थी। साल 2002 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ था। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। साल 2006 में आज ही के दिन वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद किए गए नाथुला दर्रे को 44 साल बाद खोला गया था। साल 2009 में आज के दिन जकांद्रा कोसोर क्रोएशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।